वाह, बहुत खूबसूरत। हमने 22 साल बाद किसी की तारीफ की है। आज आप कुंवर जी के सामने पेश करने के काबिल हो गई हैं। आज से हम तुम्हारा नाम रानी रखते हैं। हम तुम्हें कोई तोहफा देना चाहते हैं। चलो रानी। अकेला छोड़ दो हमें। जी हुकुम। खातिर लोग अपनी जान तक दे देते हैं यश, और दोस्ती में दगा देना ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। फिर एक दोस्त बनकर इतना बड़ा धोखा। आपने एक डरावना सपना देखा
नहीं दाई माँ, वो सपना नहीं था, वो सपना नहीं था दाई माँ, वो मर गया दाई माँ, वो मर गया, उसने उसका हाथ छोड़ दिया दाई माँ, उसने उसे मार डाला, वो मर गया दाई माँ, उसने उसे मार डाला, वो मर गया दाई माँ। फिर वही सपना? हाँ। पता नहीं दाई माँ, जिंदगी हमारे साथ कैसा मजाक कर रही है, उसे पूरी तरह से सब कुछ याद नहीं आ रहा है, और अगर याद आ गया तो इस बात का बस एक ही तोड़ है, आप फौरन शादी कर लीजिए उनसे। एक बार शादी हो जाएगी तो पिछले जन्म इस जन्म के सारे अंतर खत्म हो जाएंगे। रानी बेटी, ये लीजिए। ये क्या है? इस रजवाड़े की परंपरा, इस महल का सबसे कीमती पोशाक। लेकिन आप ये मेरे पास क्यों लाई हैं? आज आप पहनेंगी इसे। मैं इसे नहीं पहन सकती दाई माँ। दोबारा ऐसी बातें मत कीजिएगा, इससे महल का अपमान होता है। आज बहुत खुशी का दिन है, ये पोशाक पहननी ही पड़ेगी। लो बेटी। हेलो। हेलो कुंवर साहब, कैसे हैं आप? ऐसी भी साहब, बहुत अच्छा। क्या बात है कुंवर साहब, इतने सालों बाद ये महफिल सजी है, ये महल सजा है। उससे भी ताज्जुब की बात यह है कि आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान नजर आ रही है, कोई खास बात है? आज हमारी सगाई है। कौन है वो खुश नसीब? रानी। Your attention please। आप सब ताज्जुब कर रहे होंगे कि इतने सालों बाद फिर से इस आलिशान महल में ये महफिल क्यों सज रही है। इसका कारण यह है कि हमारे अजीज दोस्त कुंवर यशवर्धन की सगाई का ऐलान किया जाता है मिस रानी के साथ। पार्टी छोड़कर क्यों चली आई? आपने बिना हमसे पूछे सगाई का ऐलान कर दिया? हमने अपनी जिंदगी में जितने भी फैसले किए हैं सिर्फ अपनी मर्जी से किए हैं। किए होंगे, लेकिन वो आपकी जिंदगी के फैसले थे। हमारी जिंदगी का फैसला करने का आपको कोई हक नहीं। हक? हम जिस चीज को पसंद करते हैं उस पर हमारा हक हो जाता है। क्या मतलब है आपका? हम तुमसे प्यार करते हैं रानी। बड़ा ताज्जुब हुआ आप जैसे बड़े आदमी के मुंह से ऐसी छोटी सी बात सुनकर। रानी, ये छोटी सी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी बात है। और आप पहले याद कीजिए कि आप क्या वादे करके जैसलमेर के रेगिस्तान से एक बंजारन लड़की को इस महल में लेकर आए। क्या वादे किए थे आपने? यही ना कि आप हमें कलाकार बनाएंगे, सारे संसार के सामने हमारी कला को पेश करेंगे और बदले में आप हमारे बापू का इलाज करवाएंगे। बस हमारे और आपके बीच एक जबानी समझौता था, इसके अलावा हमारा कोई संबंध, रिश्ता कुछ नहीं है। तो फिर किस अधिकार से आपने हमारे साथ सगाई का ऐलान करके हमारी जज्बातों को गाली दी? सुनो रानी, हम तुमसे नहीं, पहले आप सुनिए। हम इस महल में रहकर घुट गए हैं। इन मुर्दों के माहौल में रहते रहते खुद को मुर्दा समझने लगे थे, लेकिन फिर भी हमने खामोशी से, शराफत से सब कुछ सह लिया। लेकिन आज आपने शराफत की दीवार गिरा दी। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम रानी। मैं नहीं, आप कुछ ज्यादा बोल गए हैं।
क्या समझकर आपने सगाई का ऐलान किया? हमने कभी आपको उस निगाह से नहीं देखा, तो फिर आपने हमसे प्यार करने के बारे में सोचा कैसे? प्यार करने का हक आपको दिया किसने? हम क्या की बांधी है, खरीदी हुई है, गुलाम है, क्या है? आपको हमारे साथ नीचे चलकर सबके सामने अपने शब्द वापस लेने ही होंगे, वरना हम